बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक कुकिंग चैनल। तो आज की ईद स्पेशल न्यू डिश है खोएदार बना हुआ रबड़ी बकरखानी। बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस बनता है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मिनटों में झटपट बन जाता है। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, आपके फैमिली और फ्रेंड्स फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो बहुत मिनटों में झटपट बन जाता है, प्रॉपरली वॉच करिएगा मेरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, बहुत अच्छा और बहुत मिनटों में बनता है। 1/2 लीटर हमें दूध लेना है, 5 से 6 बकरखानियाँ, 3 टेबलस्पून हमें शुगर लेनी है। अब इसको ये हमारे जल्दी में बन जाता है और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब पैन में हमें 1/2 लीटर हमें मिल्क ले लेना है। अब इसको हमें मीडियम आंच पे हमें इसको बॉईल करते जाना है दूध को। अब हम लोग शुगर डाल देंगे, वही 3 टेबलस्पून शुगर और मिल्क हमारे अच्छे से ये दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। और मेरी वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेसिपी बताइएगा कि आप लोग को हमारी कैसी लगी। तो मैं बकरखानी डालूँगी, आप चाहें तो आप 5 या 6 भी डाल सकते हो, मैंने 5 डाली हैं। और मैं सारी ऐसे एक साथ नहीं डालनी हूँ वरना फिर सारी मेल्ट हो जाएगी और निलमिली सी हो जाएगी और हमारा दूध भी ऊपर आ सकता है इस वजह से। तो अब मैं 5 डाल दिए मैंने, तो ये हमारा बॉयल होता जाएगा और बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने 1 अदद इलायची डाल दी है, मैं इसको खोल के डालूँगी, साबुत नहीं डालूँगी। आप चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन टेस्ट इतना बेटर नहीं आता जैसे खोल के में आता है। ये देखें, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी मिनटों में बन जाता है। आपके गेस्ट आएँ उनको आप जल्दी से बना के दे सकते हैं। देखें बड़े बड़े मज़े का लग रहा है, ये ईद में बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखें हमारा दूध थोड़ा ड्राई हो रहा है और हमारी बकरखानी भी दूध के साथ मिक्स हो रही है। ये देखें ड्राई हो रहा है, हमारा दूध ड्राई हो चुका है। ये देखें ना, खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग प्रॉपरली वॉच करिएगा और मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए बन चुका है, अब रेडी हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सजा देंगे। अब मैं डालूँगी इसमें खोया, स्प्रिंकल्स की तरह हम डाल देंगे इसमें। ये देखें अब मैंने खोया डाल दिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, आप चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स कोई और से भी डाल सकते हैं वरना फिर आप चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते। मैंने पिस्ता डाला है, थोड़े से बारीक बारीक काट लिए थे। अब मैं बादाम डाल दूँगी, अभी पिस्ता डाला मैंने, फिर मैं बादाम डाल दूँगी उनके पीछे पीछे। ये देखें अब मैंने बादाम डाल दिए, तो आप अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखें अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ और हमारा लुक भी अच्छा आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। अब मैं इसको अच्छे से इसको कट कर लेती हूँ, बहुत डिलीशियस और बहुत यम्मी बनता है। मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बकरखानी रबड़ी। देखें अब मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी भी ये कैसी बनी है और बहुत जल्दी बन जाती, बहुत मिनटों में। अगर आप लोग के घर या गेस्ट आ गए हो तो आप उनको मिनटों में बना के दे सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी हो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये। ये देखें हमारा लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।